जरा देखो तो, ये तो बहुत ही बढ़िया है, वो तो खुद ही सुनियो की तरफ चले आए हैं। वो तुम्हारी बात ऐसे सुन रही है जैसे इन्हें तुम्हारी बात समझ आ रही हो। हाँ, मैं उन्हें रोज ट्रेनिंग देता हूँ दोस्तों। जब मछलियाँ आपकी बात सुनने लगे तो कितना अच्छा लगता है। मछली पालने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, अच्छा रहेगा। माफ करना, मुझे तुमसे ये नहीं कहना चाहिए था। देखो, वैसे हमारा इतना बड़ा जो तालाब है, किसी और के पास इतना बड़ा तालाब नहीं है, तो मछलियाँ पालना मुमकिन नहीं। अगर तुम अपने घर में तालाब बनाने की सोच रहे हो तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ये नामुमकिन है। हाँ, मछली चाहिए? हाँ, क्या आप मुझे मछली दिलवाएंगी मॉम? मैं तो ले भी आई हूँ। सच? ले लो, आज रात के खाने में मछली ही है। क्या हुआ? क्या सुनियो ने फिर से बुरा बर्ताव किया? तो ठीक है, हम भी तुम्हारे लिए पालतू मछलियों का इंतजाम करेंगे। नोबिता, मछली ले आने पर भी मैं उसे रखूंगा कहाँ? ये फिक्र मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। हम कहाँ जा रहे हैं डोरेमोन? गोल्डफिश मछलियों की दुकान तो पीछे रह गई है। गोल्डफिश तो आम होती है, हम तुम्हारे लिए कोई खास मछली लेकर आएंगे। नोबिता, मेरे पास महंगी मछली पालने के लिए पैसे नहीं है। हमें उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुँ? डोरेमोन, क्या हम यहाँ से मछली पकड़ेंगे? सही कहा, और मछली के चारे से ये काम आसानी से हो जाएगा। पेट फूड फॉर फिश। नोबिता, तुम भी थोड़ा सा ले लो। ठीक है, अब इसे दबाओ। ठीक है, और जोर से। बस ठीक है, अब डाल दो। इन्हें डाल दूं? ये क्या है? डरो मत नोबिता, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगी, देखो तो। तो इस चारे की मदद से मछलियाँ पानी के बाहर हवा में भी जिंदा रह सकती है नोबिता। पर ये तो मेरे पास आ रही है, तुम्हारे पास नहीं। जब तुमने चारे को अपने हाथ में दबाया तो वो तुम्हारे खुशबू की वजह से यहाँ चली आई, इसलिए वो तुम्हारे पास ही है। ये कितनी प्यारी है। ये लो नोबिता, इस फिश व्हिसल की मदद से तुम इन्हें खेल भी सिखा सकते हो। क्या सच में? कहा था ना, बिना पैसों के तुम मुफ्त में मछलियाँ ले जा सकते हो नोबिता। तुम्हारा शुक्रिया डोरेमोन। सुनियो, अब पता क्या कहा पालतू मछलियाँ? हाँ, मैं तुम्हें अपनी पालतू मछलियाँ जरूर दिखाऊंगा। नोबिता, क्या तुमने भी मछलियाँ पाली है? हाँ, तुम्हारे पास जरूर गोल्ड फिश होगी। नहीं, मेरे पास बहुत ही खास मछलियाँ हैं, अगर तुम उन्हें नहीं देखोगे तो तुम जरूर पछताओगे। अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे साथ देखने चलेंगे, क्यों? चलो आ जाओ, आ जाओ। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई तालाब नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, तो तुम सब आ गए। स्वागत है, स्वागत है तुम्हारा दोस्तों। मैं हूँ डोरेमोन, आपके शो का होस्ट, और हम पेश करते हैं नोबिता और उसके समुद्र के दोस्त। चलो अब शो शुरू करते हैं। तालियां बजाइए। ये कितना दिखावा कर रहे हैं। हाँ, मजा नहीं आ रहा। वक्त आ गया है मेरी पालतू मछलियों से मिलने का। ये क्या? ये मछलियाँ हवा में कैसे उड़ रही हैं? आखिर हो क्या रहा है? देखो, ये मुझे कितना पसंद करती हैं। ये तो सच में बहुत कमाल है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। आखिर ये हो क्या रहा है? तुम्हें पता है ये मछलियाँ मेरी हर बात मानती हैं। सुनियो, क्या तुम्हारी मछलियाँ ये कर सकती हैं? बोलो, रुक जाओ। चलो घूमो। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है दोस्तों। गड़बड़? तुम्हें इसमें क्या गड़बड़ लग रही है बताओ? ऐसा है तो हर मछलियों को बुलाते हैं। रुक जाओ, चलो घूमो, सल्यूट करो। ये तो बहुत ही अच्छा है। इतना भी अच्छा नहीं है। और अब अगला है नोबिता का फेवरेट ट्रिक, शूटिंग। डिस्काउंट।
ये तो कमाल था। तुम्हारा जवाब नहीं नोबिता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, काश मैं भी इस तरह कर पाता अपनी मछलियों के साथ। वो मैंने इन्हें खाना खिलाया था इसलिए वो मेरी बात सुनते हैं। क्या हम नहीं खेल सकते? रुको, मुझे तुम्हें और भी कुछ दिखाना है। वाह! अब वक्त है मछलियों की सवारी करने का। शिज़ुका, तुम किस पर बैठना चाहोगी? हाँ, मैं उस पर बैठूंगी। वाह! अच्छा सुनियो, तुम किस पर बैठोगे? अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे घर पर बहुत जरूरी काम है तो मैं चलता हूँ। अरे सुनियो। नोबिता, चलो चलते हैं। हाँ तो तैयार हो, चलो शुरू करते हैं हवा में उड़ रही मछलियों की सवारी। नोबिता के उन मछलियों के साथ खेलने में भला क्या मजा है, मैं अपनी मछलियों के साथ वो सब करूंगा जो नोबिता ने अपनी मछलियों के साथ किया है। तो यहाँ है वो खाना। अरे नहीं, ये क्या है, मेरे पीछे क्या पड़ गया है, मुझसे दूर आ जाओ, हट जाओ। चलो कम से कम मुझे मछलियों का खाना तो मिल गया। चलो चलकर पूरा शहर घूमते हैं। इस तरह मछली की सवारी करना तो एक सपने की जैसा है। अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। मॉम जरा मुझे देखिए। मॉम। हाँ? जियान। मॉम क्या आप ठीक है? आउच, मैं बाहर पेड़ की छटाई के लिए टूल्स ढूंढ रही थी, इतने में यहाँ की लाइट चली गई। नोबिता, ऐसे वक्त पर क्या काम आता है? ये तो कमाल है। ये सिर्फ मछली नहीं, ट्यूबलाइट भी है। मदद करने के लिए शुक्रिया बच्चों। यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। समझ गया। इसने तो छाया कर दी है। तुम्हारा शुक्रिया। और अब तक थे स्नैक्स खाने का। ये क्या? लो तो स्नैक्स खा लो। सच में शुक्रिया, आज तो मजा ही आ गया। सुनिए अंकल। ओ वाह सुनिए, तुम यहाँ? क्या तुम मुझे यहाँ बाय बोलने के लिए आए हो? असल में मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी। काम बहुत आसान है। अब देखना किस तरह की मछलियाँ मेरे पास आती है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता, मजा आ गया। तुम्हारा शुक्रिया। अरे इसकी कोई बात नहीं, पर ये बताओ कि हम इन सब मछलियों का क्या करेंगे? वो जब चारे का असर खत्म हो जाएगा तब वो वापस समंदर में लौट जाएंगे जहाँ से वो आई थी। अच्छा ऐसा है क्या, तो आ जाओ। मुझे भी खुशी हुई। अभी मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है। कैसा गिफ्ट? अच्छा बस एक मिनट रुको, मैं अभी लेकर आया। अंकल कैसे हैं आप? वो खाना आपको उन मछलियों को डालना है जो मछलियाँ कभी किसी ने ना देखी हो, याद रखिएगा अंकल। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, हमारी शिप अभी समंदर के बीच में है, मुझे बस चारा यहाँ डालना होगा, है ना? आपका शुक्रिया अंकल। अब मैं नोबिता को मजा चखाऊंगा। तो आखिर तुमने शिज़ुका और जियान को क्या दिया नोबिता? बताता हूँ, देखो तो ये मछलियाँ चमकती हुई कितनी सुंदर लगती हैं। बहुत सुंदर। ये तो कमाल है। बेटा सोनियो, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो सोने का वक्त हो गया है ना? मेरी पालतू मछलियाँ आने ही वाली होंगी मम्मा। मछलियाँ? अरे वाह, लगता है आ गई। अरे ये क्या, ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है, लगता है मुझसे गलती हो गई। अपना ध्यान रखना प्यारी दोस्तों, बाय बाय।
डोरीमोन, अगली बार हम लोग सुनियो को भी मछली की सवारी करने ले जाएंगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे बचाओ।